अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अल जज़ीरा न्यूज और मैं हूं नायला भट्टी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। रहीम यार खान थाना बी डिवीजन की हदूद में अपनी ही बहन का ससुर निकला हवस का दुश्मन। 15 साल मासूम बच्ची और वालिदैन को पैसों का झांसा देकर नाबालिग बच्ची को गलत कार्य पर मजबूर करता था। अल जज़ीरा न्यूज टीम ने मौके पर पहुंचकर किया बेनकाब। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा शेख उस्मान से। आज मैं इस वक्त में मौजूद हूँ रहीम यार खान के नवाही इलाका दस्तगीर कॉलोनी, जहाँ पे ये एक वाकया पेश आया है। और ये बच्ची जो है, ये एक वालदेन और बच्ची जो है ये हमारे साथ मौजूद है। इनका यही कहना है कि जो मेरे कुछ जो इधर रिश्तेदार आए हुए हैं, उन्होंने मेरी बच्ची के साथ जो है वो कुछ गलत हरकत करने की कोशिश की है। तो मज़ीद इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या मामला पेश आया। ना मेरा बच्ची बैठाओ, कहते हैं कि मैं गलत काम करना है। बच्ची नहीं थी बैठ रही, कहते मैंने नहीं बैठना। वो जिद कर रहा था कि बैठ बैठ गया। नहीं, मुझे पता ये मेरी आपी का ससुर है, इसलिए तो ये कह रहा मेरे साथ बैठ। ये नहीं मुझे पता, कहता मेरे साथ बैठो, मैं आकर मैं आके खड़ा था। पैसा तुम लोगों को देगा, बच्ची से साथ कर काम करना चाहता है। हर बार आता है, पैसा देता है, बोला हम तुमको 10,000 दिया, 5,000 दिया, 10,000 दिया, हर बार इतना बार दिया। बच्ची हमारे साथ एक दफ़ा अंदर कमरे में बैठाओ, तुम लोग राशन भी टायरा पूरी ज़िंदगी तुम लोगों को पैसा देगा, 1,00,000 रुपया। तो मज़ीद ये जो भाई आए हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं। इन्हें को पैसे की जरूरत है, गोलियाँ इन्हें आप रिजवान ने 3 गोलियाँ दे थे, मेरे को आके तो तू थप्पा है मतराए को जो बच्ची को दे देते हैं। बच्ची है जरी होश नहीं थी, इस अंकल ने दी थी। बात थोड़ी देर बाद मुझे चक्कर आने लगे, उसके बाद साइकिल के अंदर में जाके लगी थी। अला सच सच अला रिजवान ने 3 गोलियां पाते, मेरे को आखे जो मतराए गोलियां ले आया तो सब बेकार। रात को बालड़ी इन्हें दी लो थी कि मैं वापस वाला गया। मेरे को फोन कितने रात को 8 बजे मैंने फ़ोन किए थे मामू फयाज ने आ दिया जो गाल करा मैं मेरी गाल करा। वो 112 वाले आए हैं, उन्हें आखे बच्ची को कुछ गए नहीं, तो मेहरबानी करो तो गाल करो। ये तकरीबन 10-12 हज़ार पहले दिया इस बात को। फिर पहले मैं हॉस्पिटल गई थी, उसके बाद मुझे चक्कर आ रहे थे, फिर मम्मा वालों ने एम्बुलेंस वालों को फ़ोन किया, मैं बेहोश थी इसलिए। वो कुछ बाद मैं कुछ पैसे के देने 3,000 मैं दे दिए, मैं कुछ बाद ऐसे 3,000 के देने। मुझे सिर्फ 500 रुपया दिया जी, कहता था मेरे में मैं माँ की खातर आता हूँ, आप मेरे से बात करती हो, मैं आपको पैसे भी दूंगा, ये करूंगा, आपको राशन भी स्टाव आके दूंगा, वो सारा आपके वादे भी पूरी करूंगा। इन्होंने सारा कुछ आके सारा कुछ सारी गाल इन्होंने दी है, जो फसावे जो कर, मैं छोटे वैसा मसला का नहीं, मैं मरीज को ना वैसा कत्ल को ना थी वैसा, लेकिन गाल में सारा कुछ है इन्हें का। रोजी खमदे खड़े हैं इन्हें, मेरी रिश्तेदारी है। क्या अगर जे तू अपनी बच्ची ना फिर करवावे तो मैं आंदा, अगर ना करवावे तो मैं नहीं आंदा। क्या सी ना हैं, मैं तो तेनु मैं तो नहीं दीतियां नशे दीयां गोलियां। वन फाइव पे कॉल करें ले कि इसके ऊपर पर्चा दे ले, हमारे बच्चे के साथ गलत काम करना चाहता है, हम लोग पैसों की लालच देता है। कि उम्र आप चेक कर लें कि इस बच्ची की उम्र क्या है, और इस बच्ची के साथ जो है वो इस तरह जो है ये हरकत करने की कोशिश कर रहा है कि सिर्फ इसलिए कि ये सिर्फ एक गरीब घर है, एक गरीब घराना है जो कि अपनी रोटी जो है वो बड़ी मुश्किल से पूरी करते हैं। तो इस तरह क्या जो आदमी है और जो ऐसी बच्चियों को देख के इस तरह का पैसों का लालच दे के और इनको जो है वो इस तरह जो है वो गलत काम करने पे मजबूर कर रहा है, इन्होंने जो है वो आईजी पंजाब और डीपीओ रहीम यार खान से ये अपील की है, इस तरह के जो शख्स हैं इनको जो है वो कैफर करदार तक पहुँचाया जाए जी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.aljazeeranews.tv।